ये मछली बेचने वाली औरत एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन उसे वो वहीं फेंक देती है क्योंकि उसे लगता है कि वो मरा हुआ है। कुछ देर बाद वो बच्चा रोने लगता है, उसकी आवाज़ को वहाँ के लोग सुनकर उस मछली बेचने वाली औरत को अरेस्ट करवा देते हैं, जिस वजह से उसे फांसी हो जाती है क्योंकि उसने बच्चे को मारने की कोशिश की थी। अब कुछ सालों बाद हम उस लड़के को देखते हैं जो अब बड़ा हो चुका था और एक आश्रम में रहता था। उसमें चीजों को स्मेल करने की एक अनोखी एबिलिटी है। अब आश्रम की ओनर उस लड़के को एक चमड़े के व्यापारी को बेच देती है, लेकिन तभी कुछ लुटेरे उस औरत को मारकर पैसे छीन लेते हैं। चमड़े का व्यापारी उससे बहुत काम करवाता है और एक दिन उसे अपने साथ पेरिस शहर ले जाता है, जहाँ जिन को एक खुशबू आती है, जिसका पीछा करते हुए एक फल वाली लड़की के पास पहुँचता है। उस लड़की को लगता है कि जिन भूखा है, इसलिए वो उसे फल देती है, लेकिन जिन उसका हाथ पकड़कर उसे सूंघने लगता है। लड़की उससे डरकर वहां से भाग जाती है, पर जिन उसे स्मेल करते हुए उस तक पहुंच जाता है। लड़की उसे देखकर चिल्लाने लगती है, जिससे जिन उसका मुंह पकड़कर बंद कर देता है, जिससे दम घुटकर उस लड़की की मौत हो जाती है।